जनाब जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दीगर जो खैरपुर मीरपुर खास के इलाके हैं, वहाँ पे भी सैलाब की सूरत हाल बहुत जो है संगीन है। तो इस वक्त मैं मीरपुर खास के कुछ गांव देहात में चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की ज़मीनें तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उनके जो पीछे घर हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी के बीचों बीच आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरत हाल बहुत जो है वो अच्छी नहीं, क्योंकि लोग अभी भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग पानी में। तो ये लोगों की जो फसलें थी वो बिल्कुल पानी के नीचे हैं, पीछे घर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आगे जो सिर्फ और सिर्फ अब रास्ते रोड जो हैं वो सिर्फ ज़ाहिर है, बाकी जितने भी सूरत हाल हैं वो बहुत जो है वो क्या कहते हैं, एक तरह से ना देखने वाली है। हम ना देख सकते हैं ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मुझे बहुत खौफ लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आगे रास्ता भी ना हो, क्योंकि अब हम चल भी ऐसे इलाके में हैं जहाँ मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे पानी के नीचे आने के बाद जो है वो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छी क्या, ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अब समंदर आपको सैर अगर नहीं किया सिंध में तो समंदर देख सकते हैं, ये समंदर की सूरत हाल ये इलाके इख्तियार कर चुके हैं। तो दोनों तरफ जो है वो पानी पानी है, दोनों तरफ पानी पानी है। आगे बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो इस पानी के नीचे आ चुके हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो इस वक्त सूरत हाल उनकी अच्छी नहीं है। ये वो इलाके हैं जो ना डूबने वाले थे, ना यहाँ पानी आता था, अब यहाँ पे बिल्कुल पानी पानी हो चुका है। मैं पिछले कुछ एक हफ्ते से ऐसे इलाकों में घूम रहा हूँ, मैंने सोचा कि ऐसे इलाकों पर क्यों ना गाड़ी के बजाय हम जो है बाइकों पर सफ़र करें, कुछ बाहर के नज़ारे देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से हम जा भी नहीं सकते। वहाँ हम बाइक अगर ना हो तो इंसान जो है उस पानी से निकल भी नहीं सकता। तो सूरत हाल यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ नहीं है, पानी पानी है, आगे बहुत सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आगे हो सकता है कि ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ जो जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वहाँ पर रास्ता बंद ना हो, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे रास्ते जो है ज़मीन के रास्ते भी ख़त्म हो चुके हैं। ये सूरत हाल एक मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे दीगर जितने भी इलाके वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी पानी। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक में देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़ाहिर है, बाकी कुछ भी यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा कि लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में किस तरह है। कुछ लोग हैं उनसे हम जो पानी के अंदर हैं, बच्चे हैं जो इस वक्त ना रहे हैं, उनसे बच्चे देखें आप देखें देहातों में गया हूँ, नीचे अंदर ग्राउंड लेवल पे, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बीच बीच से गया हूँ कि इलाकों को देखूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ पे। सूरत हाल ये है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस वक्त बहुत सारे जो हैं वो मेन सड़कों पे मस्जिदें जो हैं वो बीच में आ चुकी हैं, बहुत सारे जो इलाके हैं ज़मीनी रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। तो ये पिखरों का रास्ता है जो मिलाता था ढोरनाड़ों को, तो ये रास्ते जो है बिल्कुल अब सड़के हैं, बिल्कुल पानी के नीचे, बिल्कुल पानी के नीचे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरत हाल अच्छी नहीं है। ये देखें, ये एक मस्जिद है या कुछ कब्रिस्तान है जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देख बिल्कुल पानी के बीचों बीच में है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जो कब्रिस्तान है वो आप देख सकते हैं पानी के बीच में, ये सूरत हाल है। पीछे पिथौरा शहर भी है, उसका यहाँ पे ये है।